उसके कर बाद आई लिया? स्टार्ट। हाँ रिकॉर्ड कर लिया। शेयर स्क्रीन, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, अभी तुम ये एनेबल करो। हाय एंजल जी, सो आई एम गिविंग यू द परमिशन टू मेक यू एज अ होस्ट। ओके, तो द थिंग इज आई कांट रिकॉर्ड इफ आई एम नॉट द होस्ट, सो फर्स्ट आई क्लिक द होस्ट रिकॉर्ड बटन। So now I am making you the host. Okay. Okay. Now I have made you the host. So now we are both are recording. So yeah. Hi Angel ji. Hi. Thank you. So I can see your bandwidth is little low. The message is coming. So after a couple of minutes, I think you can start. You can only share the screen. Okay. Yeah. Hi, everyone. So, okay, fine. Hello, everyone. So this is a continuation of our discussion on monarchy rights. So today we will be discussing, I think, three rights, right? Three rights. Okay, so you can start. I mean, I would have some questions like you know, what is the maybe history of the rights, importance of the rights, and then you can just a small recap of the previous video of what is the importance of the nine rights, and then you can talk in detail about the three rights today. Okay. सो थैंक यू। अभी मैं वीडियो ऑफ करती हूँ क्योंकि इससे स्ट्रीमिंग थोड़ा ये हो जाता है हम लोगों का। या इवन आई विल ऑफ माय वीडियो। ओके फाइन। तो अभी कहाँ से करूँ? मेरे को जितना भी मैं ये क्यों ना करूँ मेरे को दिक्कत ही होता है एक्चुअली। अभी कहाँ से मैं बंद करूँ? नो प्रॉब्लम, आप नहीं, आपका स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। यू कैन जस्ट रीकैप the nine rights, the importance of rights, maybe history of rights, then you can go into the particular rights. Okay. So first of all, ये English में रखते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने जितना सीखा है सारा कुछ मैंने English में सीखा है। तो English में सीखने से there is a problem in translating in proper Hindi. That's why we will mix Hindi and English so that people can understand and मेरे को भी बोलने में सुविधा हो, क्योंकि आपको पता ही है मेरे को टाइम टाइम में वर्ड्स में भूल जाती हूँ। तो no problem. तो आपका मेन है कि हम लोगों का व्हाट अबाउट द राइट्स, राइट्स क्या है? तो सिंपली हम लोग अगर मतलब इनिशिएशन या दीक्षा की बात करें, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनिशिएशन और दीक्षा इन अनदर मॉडलिटीज लाइक रेकी, other healing modalities, so most of the what happens in most of the healing modalities that initiations are done by the master or by the initiator or the main healer or the guru as full form. Like in full form you will get the initiation from your guru or your teacher, but in monarchy the rites are initiated in seed form, like SWD, seed form. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि the rites plant the seeds of knowledge into the luminous body of the recipient. मतलब जो लेगा दीक्षा, जो लेगा उनके शरीर का जो ऊर्जा है, luminous body जो है, वहां पे एक seed, बीज के हिसाब में उनको दिया जाएगा। उनको खुद को ये अंकुरित करना पड़ेगा daily साधना से। So it is up to each person to water and tend the seed so that it can grow and blossom. The rites are transmission of potential. One must then make oneself available to destiny. So ये बहुत जरूरी है, खास करके तो मैंने मुनाइकी में ही देखा है कि वो seed के रूप में देते हैं, बाकी में full fledged देते हैं, रेकी में भी full fledged देते हैं, लेकिन इसमें seed के रूप में देते हैं। तो ये है कि एक ट्रेडिशन के जैसा एक चीज जो आपको दे दिया जाता है उसको आपको आगे बढ़ाना होता है। सबसे पवित्र चीज जो होती है, द मोस्ट होली थिंग एंड द डिवाइन थिंग अबाउट मुनाइकी इनिशिएशंस आर दैट इसको शेयर करना होता है। यू हैव टू शेयर द इनिशिएशन, यू हैव टू शेयर द सीड ऑफ मुनाइकी
ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ गए पूरा जिंदगी भर साधना किया बट किसी को नहीं सिखाया, नहीं, इट इज अबाउट टू शेयर. तो द राइट्स कनेक्ट द पर्सन टू एन एंशियंट लाइनेज ऑफ नॉलेज एंड पावर. ये आपके ऊपर है कि इस गिफ्ट को आप कितना निहारे, ठीक है. तो ये मेन चीज है, ये एक एनर्जेटिक ट्रांसमिशन है. जैसे कि हम बोलते हैं दिस राइट्स वेर फर्स्ट गिवन टू द लाइका आर एंशियंट टीचर्स बाय एंजेलिक बीइंग्स एंड नाउ आर पास्ड ऑन फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट. मतलब इसका है कि डायरेक्ट जो देवदूत फरिश्ते होते हैं, एंजेलिक बीइंग्स होते हैं, उन्होंने ही एंसेस्टर्स को, मतलब वो जो इंका के एंसेस्टर्स है, उनको सिखाया था और उसके बाद टीचर्स टू स्टूडेंट ऐसे करके कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को दीक्षा देने लगे. When you receive the gifts, the munaiki as a student, it is the lineage of the luminous beings that transmit itself from the head of the master to the student, traveling through the etheric fields to transfer this energetic information. मतलब दिखने में तो बस गुरु और शिष्य रहता है. There are two persons. If we want to see with a plain sight, there are two persons: the teacher and the student. The teacher who will transmit the rights onto the student. As seed form, but actually यहाँ पे बहुत सारे luminous, benevolent जो beings होते हैं, angels होते हैं, वो लोग रहते हैं, मदर गाया रहते हैं और बहुत सारे लोग नहीं, मतलब beings रहते हैं. तो mainly हम लोगों का recap में करने जाऊं तो main जो right है यहाँ पे 9 rights है मुनाइकी का. shamanism में बहुत अलग अलग rights हैं. नुस्ताकार पे है जहाँ पे प्लेडियस के 7 स्टार्स के साथ आपके शैमेनिक गॉडेसेस जो है 7, उनको आपके 7 चक्रा के साथ अट्यून किया जाता है. लाइक ये मुनाई की भी एक अलग राइट है जिसपे मेन 9 राइट्स आते हैं. फर्स्ट होता है हीलर्स राइट. ये हीलर्स राइट जो है आपको एक लाइनेज ऑफ ल्यूमिनस बीइंग के साथ कनेक्ट करता है और आपके अंदर के हीलर को जगाता है. बैंड ऑफ पावर है सेकेंड राइट, जहां पे आपके 5 एक प्रोटेक्टिव बेल्ट होता है आपके ल्यूमिनस बॉडी में. अभी हम इसको ल्यूमिनस बॉडी ही बोलेंगे, आपके ऊर्जा का जो बॉडी, शक्ति शरीर जो होता है, उसके जो 5 प्रोटेक्टिव बैंड्स है उसको एक्टिवेट किया जाता है या इनिशिएट किया जाता है. देन आता है हार्मनी राइट. इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ 7 आर्किटाइप्स इनटू द चक्रास हेल्प्स यू, इट हेल्प्स यू कंबास द साइकिक स्लज दैट बिल्ड्स अप इन योर चक्रा. सारे चक्रास आपका क्लीन हो जाता है एक्चुअली. और आपके 7 चक्रा में 7 आर्किटाइप्स बोले तो टोटेम हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इनको अट्यून किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके रेनबो बॉडी जो है, आपका लाइट बॉडी जो है, वो एक्टिवेट होके ग्रो कर पाए. 4 नंबर होता है सीयर्स राइट. इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेरिब्रल पाथवेज ऑफ लाइट आर इंस्टॉल्ड दैट कनेक्ट द विजुअल कॉर्टेक्स विद द थर्ड आई एंड द हार्ट चक्रा. ये लास्ट में भी बताया था. दिस अवेकेंस योर एबिलिटी टू परसीव द इंडिविजुअल अदृश्य जगत है जो उनके आपके मतलब आंखों की शक्ति को बढ़ाता है. सिर्फ फिजिकल आंखें ही नहीं, आपके थर्ड आई के आंखों को भी बढ़ाता है. आपके बॉडी में जो नहीं है वो सब कनेक्शंस भी जुड़ जाते हैं. 5th में आता है डे कीपर राइट. कनेक्ट्स यू टू द लाइनेज ऑफ मास्टर हीलर्स फ्रॉम द पास्ट. अतीत के जितने भी हीलर्स हैं उनके लाइनेज से आपको जुड़ा जाता है. ये आपको क्या करता है कि आपके अंदर के इनर फेमिनिन और इनर मास्कुलिन जो है उनको हील करने में आपको हेल्प करता है. फियर मतलब डर का सामना करने में और शांति का प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प करता है. 6th होता है विजडम कीपर्स राइट. ये आपको क्या करता है, ल्यूमिनस बीइंग्स मतलब हम पवित्र एंजल्स जो होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. देखिए सिर्फ एंजल्स बोलने से ही नहीं, बहुत सारे होते हैं. बेनेवोलेंट फेरी किंगडम होते हैं, एंड देन हमारे मदर गाया के जो मतलब हेल्पर होते हैं, एंड ग्रेट वाइट ब्रदरहुड होते हैं, एसेंडेड मास्टर्स होते हैं, रे के चौहान होते हैं. तो अलग अलग ल्यूमिनस बीइंग्स के लाइनेजेस के साथ आपको ये करता है, ठीक है. इसमें भी हम देखें तो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन का जो है, यिन यंग का जो पुरुष और स्त्री शक्ति का बैलेंस है वो करते हैं, ठीक है. अर्थ कीपर्स राइट है, जैसे कि आप भी अर्थ कीपर है, मुझे पता है ये इसके बारे में. रेड सोलर ड्रैगन का एनर्जी है आप में. तो अर्थ कीपर्स राइट ये 7th होता है. ये क्या करता है, आपको लाइनेज ऑफ आर्क एंजल्स के साथ आपको जोड़ता है.
जो गार्जियंस हैं हमारे गैलेक्सी के, ये क्या करता है कि आपके अंदर का जो सीयर है आप उसे परखना सीख जाते हैं, एंड बहुत सारे और ऐसे काम, अपने एंजेलिक काम, अपने डिवाइन काम, लाइट वर्क आप आर्क एंजल्स के हेल्प से कर सकते हैं। स्टार कीपर्स राइट आ जाते हैं आठवें जगह पे। ये स्टार कीपर्स राइट क्या करता है, एंकर करता है, मतलब अभी यहाँ पे तो लिखा नहीं है, ये हमारे जो आप अपने एक पसंद के स्टार को ढूंढ के उनके एनर्जी के साथ अपने आप को सिंक कर सकते हैं। और इसका जो इनफैक्ट हर एक राइट के साथ एक एक रिचुअल है जो आपको करना होता है। पर्सनली मैंने भी किया था और शायद बहुत अच्छा लगा था मुझे। हाँ, स्टार कीपर्स राइट मुझे करने में बहुत ही अच्छा लगा था, काफी इंटरेस्टिंग होता है। और साथ में अगर एक दो बंदे हो, आपके कोस्ट स्टूडेंट्स वगैरह हो, कलीग्स हो, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में आता है क्रिएटर्स राइट, सब हो जाता है लेकिन बाद में जो सृष्टा का जो शक्ति है वो लाके देता है क्रिएटर्स राइट, और आप एक क्रिएटर बनते हैं इन ऑल मैटर्स। तो ये रहा मेन राइट्स नाइन। अभी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सोर्सेस क्या है मुनाई की। हाँ, ये जो है एक्चुअली इंका में ही नहीं, मतलब हर जगह में अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में पेगन पीपल जो है, नेचर प्रकृति माँ के जो उपासक है, वो अलग अलग डिजाइन से, मतलब अलग अलग तरीके से सृष्टि के हर एक चीज को वो लोग रेस्पेक्ट देते हैं, जो इंसान के इवोल्यूशन में हेल्प करता है, एंड जो मतलब इंसान को एक बैलेंस में रखने के लिए हेल्प करता है, और जो दिन प्रतिदिन जीवन में डे टू डे लाइफ में जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है। कौन करता है? डेफिनेटली नेचर करता है, फाइव एलिमेंट्स करता है, डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस करते हैं। तो ये है, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअली वो मिलेनिया से हर कोने में, जगह जगह में दुनिया के ये होते आ रहे हैं। तो पार्टिकुलरली द राइट ऑफ द मुनाइकी आर बेस्ड ऑन इनिशिएटरी प्रैक्टिसेस ऑफ द इंका एंड प्री इंका शेमेंस ऑफ द एंडीज एंड द अमेज़न। अगर हम लोग मुनाइकी के बारे में पार्टिकुलरली बात करना चाहे तो ये इंका सिविलाइजेशन से है जुड़े हैं, और प्री इंका शेमेंस जो एंडीज एंड अमेज़न के थे वहां से जुड़े हैं। द हीलर्स राइट जो है उसको हैम्पी ब्लेसिंग भी बोला जाता है, और बोला जाता है कि ये हाईलैंड क्वेरो पीपल, मतलब हाईलैंड क्वेरो जो लोग हैं उनसे कनेक्टेड है। और ये द बैंड ऑफ पावर ये ट्रांसमिट किया गया था जुआन विक्टर नानेस डेल प्रादो, हुज फादर वाज वन ऑफ द ओरिजिनल डिस्कवरर्स ऑफ द क्वेरो नेशन, मतलब क्वेरो नेशन के जन्मदाता उनके जो मतलब एक सेकेंड ये इंग्लिश में बोल देती हूँ। द बैंड्स ऑफ पावर वर ट्रांसमिटेड बाय जुआन विक्टर नानेस डेल प्रादो हुज फादर वाज वन ऑफ द ओरिजिनल डिस्कवरर्स ऑफ द क्वेरो नेशन, मतलब इनका नाम जुआन विक्टर, मेरा गलत हो सकता है, जुआन विक्टर नानेस डेल प्रादो ने किया था बैंड ऑफ पावर्स का ट्रांसमिशन सबसे पहले। इनके पिता जो थे वो क्वेरो नेशन के जन्मदाता भी थे। हार्मनी राइट comes from the lawland quero, अभी highland भी है lawland भी है, तो harmony rights आया था lawland quero से। the kuchi pere people from the edge of amazon, ये भी amazon से ही आया था। albert villoldo ने इसे सीखा था, alessandro कहुआंची से, जो एक renowned healer थे। नाम काफी अलग अलग है तो इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो दिया जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं इसको। द सीयर्स राइट जो है ये अलग अलग फॉर्म में नॉर्थ कोस्ट पीपल जो है, पेरू के जो नॉर्थ कोस्ट पीपल है, उन लोगों ने प्रैक्टिस किया था। द डिसेंडेंट्स ऑफ चिमू एंड मोचे कल्चर्स एंड बाय सीयर्स एंड ट्रैकर्स ऑफ द अमेजोन, ठीक है। तो जो चिमू और मोचे कल्चर्स के डिसेंडेंट्स थे और जो सीयर्स और ट्रैकर्स ऑफ द अमेज़न थे, उन लोगों ने किया था। द डे कीपर्स राइट कहाँ से आया? तो ये डे कीपर राइट इज नोन अमंग द क्वेरो एज द पंपा में सेओक, रेफरिंग टू द लॉलेंस एंड द वैलीज ऑफ द पंपा, ये भी लॉलेंस से ही आया है, क्वेरो से, एंड टू द मेसा और ऑल्टर। द विजडम कीपर्स राइट को
is known among the Quero as the Alto Messiah, right, referring to the high mountains of the Andes. Wisdom Keepers, right? High mountains of Andes जो है, Andes के high mountains वहां से आया है. और इसमें से बोला जाता है कि हाँ, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? यस यस. तो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. सॉरी 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 फॉर दैट. मैं अभी फिर से करती हूँ. ठीक, अभी फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको, मुझे एनेबल करना पड़ेगा. हाँ हाँ, ओके. यस, मैंने आपको होस्ट बना दिया. थैंक यू. मैं स्क्रीन शेयर कर सकता. थैंक यू. बहुत ज्यादा कट नहीं हुआ, आई होप. तो कैन यू सी माय स्क्रीन? कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? नो, नॉट इट. आई एम जस्ट आ गया. या यस, यू कैन कंटिन्यू. यस, विजडम कीपर्स राइट जो है ये एंडीज के हाई माउंटेन्स से आया है. अभी ये जो वर्ड्स हैं एक्चुअली थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन भी है इनका, तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होता है, बट एनी वे आई विल ट्राई. द अर्थ कीपर्स राइट जो है ये इज नोन अमंग द क्वेरो एज द कुराक अकुएक राइट. अभी जैसे कि उनके जो इंडिजिनस पीपल है इंका के, उनके सामने अगर पुराने लोगों के सामने अगर आप बोलोगे कि अर्थ कीपर्स राइट, उनको समझ में नहीं भी आ सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न हीलर्स और मॉडर्न इंका पीपल, वो लोग अलग है. इसको बोला जाता है पुराने शब्द में कुराक अकुएक राइट, रेफरिंग टू द एल्डर हु मस्टिकेट्स द विजडम टू नर्चर द यंग वंस हु फॉलो. अब स्टार कीपर्स राइट जो है इज नोन एज द मोसोक कार्पे. हाँ, क्योंकि अभी मैंने और एक इनिशिएशन लिया था शमेनिज्म का, नुस्ता कार्पे. तो एक्चुअली सेम नाम है, इसको बोलते हैं मोसक कार्पे. तो विच मीन्स द न्यू राइट इन द क्वेचुआ लैंग्वेज. दिस राइट मतलब दोनों ही, नुस्ता कार्पे बोलो, स्टार कीपर्स राइट बोलो, दोनों ही स्टार्स से जुड़े हुए. दिस राइट अनाउंसेस एंड प्रिपेयर्स वन फॉर द टाइम टू कम. द स्ट्रक्चर ऑफ इंका कॉस्मोलॉजी गोज फ्रॉम द अर्थ पचामामा to the mountains, apu to the stars. मतलब ये जो पूरा शमेनिज्म का या मुनाइकी का बोलो, ये जितने भी तौर तरीके हैं, ये सारे स्ट्रक्चर इनका कॉस्मोलॉजी का जो मतलब हम डायमेंशन जो है, ये मदर अर्थ मतलब पचामामा से लेके पूरा माउंटेन्स से, अपू माउंटेन्स से लेके बिल्कुल स्टार्स तक जाता है. मतलब पूरे ब्रह्मांड को ही ये लोग समेट के लेते हैं. The creator rights are also last आता है अभी. The creator rights का source अगर हम लोग बोले, मेरा connection unstable दिखा रहा है. Anyway, I will continue. अगर connection cut होता तो please let me know. The creator's rights are also known as the Taitenchi's right. The word Taitenchi is literally translated as God. This was the last right transmitted in. Sound नहीं. हाँ. फिर से रिपीट करना पड़ेगा. Then you, yeah, बिल्कुल. Last right, the creator rights are known as the Taitenchi's right. The word Taitenchi is literally translated as God. This was the last right transmitted in 2006. From there, Alberto Villoldo was instructed to carry the rights to the West. In fact, ये जो book है, ये Alberto Villoldo के ही book है. Yes. हाँ, तो बोला जाता है कि ये राइट सिर्फ स्टेजेस ऑफ इनिशिएशन, मतलब ये सिर्फ दीक्षा ही नहीं है, बल्कि ये शायद ही ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन को भी दर्शाता है. एज नेशंस फाइट, मतलब जैसे जैसे नेशन फाइट करता गया, वॉर्स होते गए, लैंड्स मतलब युद्ध के दौरान राज्यों को दूसरे दूसरे शासकों ने लिया, हम लोगों को अभी क्या सिखाता है ये कि हम कैसे पीस को, यू नो, क्योंकि वॉर तो हर जगह होता है, बट हम पीस कैसे कर सकते हैं, मतलब हम शांति स्थापना कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों को दिखाता है.
एंड सारे इम्बेलेंसेस को हम लोगों को अंदर से ही पहले अंदर से स्टार्ट करते हुए बैलेंस करना पड़ता है, कैसे ये सिखाता है. देन द राइट्स आर अबाउट स्टीवर्डशिप. मतलब स्टीवर्डशिप बोले तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या है हम लोगों का असली दायित्व, मिशन क्या है हम लोगों का. लाइट वर्कर्स जो हम लोग बोलते हैं, शेमन पीपल जो बोलते हैं, उनका मिशन क्या है कि वो लोग एक एग्जाम्पल दिखाएं अपने सोसाइटी में और अपना अच्छा काम करें, ताकि जो भूले बैठे हैं, ताकि जो भटके बैठे हैं, वो भी आके सीखे वही काम. तो ये बुक जो है वो मार्च 2007 में मार्च में इन्होंने लिखा था. बहुत अच्छा बुक है, अल्बर्टो विलोल्डो PhD. हाँ, तो आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ, PhD मतलब वही, उन्होंने डॉक्टरेट किया है इस सब्जेक्ट पे. डेफिनेटली, तो बहुत अच्छा किया. तो आप क्या अभी आप थ्री राइट्स के बारे में बताना चाहेंगे कि कुछ और बताएंगे? ठीक है, मैं बोल सकती हूँ. मैं थ्री राइट्स के बारे में ही बोलूंगी कि हाँ, क्योंकि हमने काफी कुछ हमारे पिछले वीडियो में कवर किया था. एग्जैक्टली. सो आप आज ये बता सकते हैं कि थ्री राइट्स, जो पहले तीन राइट्स हैं, उनको कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है. ठीक है, ठीक है. तो अभी हम लोग बात करेंगे रिसीविंग एंड पासिंग ऑन द राइट्स. दो तरह से हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी है, शिष्य भी है. हर एक राइट को लेने से पहले गुरु का भी एक अलग काम होता है, शिष्य का भी एक अलग काम होता है. जैसे कि अगर हीलर्स राइट की बात करें, तो जो रिसीव करेगा वो सबसे पहले क्या करेगा. एक बार मैंने एक अपने वीडियो में, मेरे प्लेलिस्ट में ही है कि ओपन कैसे सेक्रेट स्पेस करना चाहिए. तो मैं हर एक बात के ऊपर एम्फेसिस करके नहीं बताऊंगी, नहीं तो हर एक पॉइंट पे ही हम लोग रुक जाएंगे. तो सबसे पहले हीलर्स राइट का मैं थोड़ा सा आप लोगों को, थोड़ा नहीं पूरा ही मैं बता देती हूँ कि स्टेप्स क्या है. अभी जो रिसीव करेगा बंदा, जो शिष्य रिसीव करेगा, वो कैसे करेगा. नंबर वन, उनको ओपन सेक्रेट स्पेस करना है. सेक्रेट स्पेस को अपने घर, कोई आवाज नहीं आ रहा. अभी आ रहा है आवाज आपको? फिर हाँ, अभी थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है, लेकिन हाँ 30 seconds ऑलमोस्ट आवाज नहीं था. तो ओके, मैं ये बता रही हूँ कि जब भी मुनाइकी का राइट्स का इनिशिएशन होता है, तो यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक गुरु होते हैं, एक शिष्य होता है. सबसे पहले हीलर्स राइट आता है. तो हीलर्स राइट का शिष्य क्या करेगा, मैं ये बोलती हूँ. सबसे पहले तो ओपन सेक्रेट स्पेस होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. अभी सेक्रेट स्पेस कैसे ओपन होता है, क्या होता है, ये बिल्कुल मैंने अलग अलग वीडियो बना के कर रखा है. हर एक में अगर हम टाइम देंगे तो हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले तो जो रिसीविंग होगा, ब्रीफली ही कवर करेंगे. एग्जैक्टली, जो शिष्य होगा वो अपना सेक्रेट स्पेस ओपन करेगा. उससे पहले डेफिनेटली वो स्मज करेगा, एनर्जी क्लेंज करेगा अपने रूम का. सेकंड होता है कि हैंड फ्रॉम योर हार्ट टू योर बेली फॉर पावर टू मैनिफेस्ट. तो एक हैंड आप अपने हार्ट पे रखिए, जो आपका गिविंग वाला हैंड होता है, ऐसे ऊपर करके, और एक हैंड आपके बेली पे रखिए. नंबर तीन स्टेप जो होते हैं, हैंड रिमेन एट योर हार्ट फॉर लव. मतलब दोनों ही हाथ आपको अपने हार्ट पे रखा है. बहुत हार्ट सेंटर्ड, मतलब अपने दिल, हृदय को केंद्रित करते हुए ये सब किया जाता है. तो मैक्सिमम हार्ट सेंटर पर रहता है. तो फोर्थ है, हैंड फ्रॉम हार्ट टू योर फोरहेड फॉर विजडम. अभी हार्ट से लेके आपको दोनों ही हार्ट अपने थर्ड आई या फोरहेड पे रखना है, ताकि आपको विजडम मिले. नंबर फाइव है, ये गुरु बताते रहेंगे, हम लोग बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं. होल्ड एंड होल्ड योर हैंड्स इन प्रेयर पोजिशन. फाइव स्टेप्स है कि आप प्रेयर पोजिशन को होल्ड करेंगे, फील करेंगे एनर्जी जो दोनों ही हाथों के अंदर बिल्ट हो रहा है. अपने हाथ में हीलिंग ब्रेथ जो है वो तीन बार ऐसे ऐसे करके तीन बार करना है, जो बहुत जरूरी है. उससे पहले यूनिवर्स से आपको सांस लेना पड़ता है. ऐसे करने से क्या होता है कि आपका हीलिंग ब्रेथ आपके सेक्रल सेंटर में आप एंट्री करते हो एंड रिपीट करके ब्रीथ करते हो, ताकि इससे आपको वो जो ट्रांसमिशन है आपके हार्ट और आपके थड़ाई में जाए. छठा स्टेप जो है, अलाउ ट्रांसमिशन टू हैपन बाय इटसेल्फ. इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन हो रहा है तो अपने से ही ट्रांसमिशन होने दो. मतलब गुरु कर रहा है, इसमें दो व्यक्ति है, अभी हम लोग स्टूडेंट के दृष्टि से देख रहे हैं.
नंबर सेवन स्टेप्स जो है, अपने हाथों को एक साथ लाइए और दोनों ही हाथों को अपने हार्ट पे रखिए, आराम कीजिए। आराम कीजिए मतलब इसका मतलब यह है कि दूसरे जगह से गुरु अपना काम कर रहे हैं। और नंबर उसके बाद जब इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है ट्रांसमिशन, तो आठवें स्टेप है क्लोज सीक्रेट। ओके, एंड देन अभी आता है तो कि इधर गुरु और शिष्य को एक ये शिष्य का पार्ट एक ही टाइम पे हीलिंग, मतलब एक ही टाइम पे जैसे हीलिंग में करते हैं वैसे ही करना है क्या ये शक्तिपात? यहाँ पे या तो डिस्टेंस में होगा या तो फिर फेस टू फेस होगा, एक ही टाइम में ये शिष्य जो करेगा। ये मैंने आप स्टेप्स बताया, फर्स्ट टू एट स्टेप्स बता दिया। और अभी इसको मैं ये स्टेप्स तो है हीलर्स वाले राइट का, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। एंड हीलर्स राइट का अभी जो गुरु का स्टेप्स है ये मैं बताती हूँ, इसमें भी एट स्टेप्स है फॉर यू टू गिव। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हीलर्स राइट का गुरु क्या करेंगे, जो ऑलरेडी शेमन है उनका स्टेप्स ये है कि देखिए इसका कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा बस, बट एक मॉड्यूल है। ऐसे तो स्पिरिट वर्क में, शेमेनिक वर्क में अपने मतलब इंट्यूशन से किया जाता है, बट यहाँ पे एक मैनुअल है, मॉड्यूल है, तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो एक नंबर में है स्टेप ओपन सेक्रेट स्पेस अराउंड प्रोटेजे, मतलब जो आपका और आपके जो मतलब शिष्य है उनके चारों ओर का सेक्रेट स्पेस खोलना पड़ेगा। नंबर टू है हैंड फ्रॉम बेली टू प्रोटेजेस हैंड्स फॉर पार्ट मैनिफेस्ट, मतलब आपका जो शिष्य है उनके भी चक्र के ऐसे चारों ओर आपको हाथ ऐसे करना पड़ेगा। हैंड फ्रॉम हार्ट टू प्रोडिजीज हैंड फॉर लव, जो लेगा शिष्य उनके हार्ट के सामने भी हाथ रखना पड़ेगा। टच भी कर सकते हैं, दूर से भी कर सकते हैं। वैसे बीइंग अ रेकी हीलर मैं बोलूंगी कि दूर रखने से एनर्जी का स्रोत ज्यादा चक्रास में, ऊर्जा मंडल में प्रवेश करने में हेल्प होता है। इट इज बेटर टू कीप योर हैंड लिटिल फार अवे फ्रॉम योर चक्रास। नंबर फोर स्टेप जो है हैंड फ्रॉम फोरहेड टू प्रोटेजेस हैंड्स फॉर विजडम, सेम है वो, मतलब उसके फोरहेड के पास जाके हाथ रखना है। नंबर फाइव होल्ड द प्रोटेजेस हैंड्स इन योर्स, अभी शिष्य के हाथ को ऐसे हाथ में लेना है आपके हाथों के अंदर। ब्लो थ्री टाइम्स इनटू प्रोटेजेस हैंड्स, मतलब शिष्य के फूकना है तीन टाइम उनके हाथ में, विच ब्रिंग्स द ब्रेथ ऑफ हीलिंग इनटू हिज हैंड्स टू हिज हार्ट, मतलब वो ब्रेथ जाके उसके हाथों से उसके दिल पर लगेगा। नंबर सिक्स है अलाउ ट्रांसमिशन टू हैपन बाय इटसेल्फ, जब आप दीक्षा देंगे तो इसको अलाउ कीजिए, फ्लो में बह जाइए। नंबर सेवन ब्रिंग प्रोटेजेस हैंड्स टुगेदर एंड ब्रिंग देम टू देयर हार्ट टू ब्रिंग द हीलिंग पावर देयर, अभी क्या करना है फाइनली शिष्य के हाथ को ऐसे लेना है और उनके जब हार्ट यहाँ आएगा उसके ऊपर आपको हार्ट देना है, ट्रांसमिशन को होने देना है, और एट को जो है कि क्लोज सेक्रेट स्पेस, अभी क्लोज सेक्रेट स्पेस करना है। The right connects you to a lineage of luminous beings. It awakens a healer within you. अभी healer's right जो है वो आपके अंदर के healer को जगा देता है। तो जिनको भी healer बनना है, उनके लिए ये right बहुत अच्छा है। In fact, ये arts जो rights है, ये काफी है, I think. Light work बोलो, shamanic practice बोलो। तो second right जो है ये band of power है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? First right के बारे में मैंने बता दिया। तो डीएनए में भी जाके ये हमारा जो ओल्ड मेमोरी है वो जगा देता है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। पुराने मेमोरी मतलब हमारे बहुत सारे सबकॉन्शियस में भी मेमोरी रहते हैं, उनको भी जगा देते हैं। तो अभी क्या करना है, इसका फल क्या है, मतलब बैंड ऑफ पावर ये नेगेटिव एनर्जी से हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है। ल्यूमिनस एनर्जी फील्ड जो है इसको और भी लाइटफुल लाइट होने में हेल्प करता है, हम लोगों को और वाइज बनाता है, और हमें अर्थ और स्काई के साथ कनेक्ट करता है। अर्थ मतलब धरती, स्काई मतलब एक्चुअली हेवन, हेवन एंड अर्थ के साथ प्रोटेक्ट करता है। अभी क्या करना है, जो रिसीव करेगा, कैन यू हियर मी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, पिछला राइट पूरा आया था और ये राइट का भी पूरा ऑडियो क्लियर। ओके ओके, तो बैंड्स ऑफ पावर राइट में क्या करना है अभी, फॉर यू टू रिसीव, मतलब जो लेगा रिसीव शिष्य उनको क्या करना है। नंबर वन
प्लेस द पाई स्टोन ऑन द क्राउन चक्रा एंड होल्ड इट. एक पाई स्टोन होता है, उसको आपको खरीदना पड़ेगा, या आप इंटेंशन से भी उसको इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं इसको खरीद के. तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्राउन चक्रा में लेके आपको होल्ड करना है. नंबर टू, ब्रिंग इट डाउन टू द बैक ऑफ हेड, मेकिंग अ ब्लैक कॉर्ड टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द नेक, होल्ड इट देयर. इसको आपको विजुअलाइज करना है कि एक ब्लैक कॉर्ड आप ये कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं अपने माथे के बैक से थोड़ा सा नेक के बैक तक होल्ड करना है. नंबर थ्री स्टेप है, स्टार्ट एंड गोल्ड एंड सिल्वर बेंड डाउन द स्पाइन अंटिल यू गेट नियर द टेल बोन. व्हेन यू डू इट, गोल्ड एंड सिल्वर बैंड्स ऑफ लाइट वीव इन एंड अराउंड द स्पाइन, गोल्ड ऑन राइट सिल्वर ऑन लेफ्ट. सिल्वर वाला लेफ्ट में रहता है, गोल्ड वाला राइट में रहता है. आपको विजुअलाइज ही करना है, आपके बिल्कुल यू नो टेल बोन तक आपको खींचना है इसको, आपको टेल बोन तक खींचना है और होल्ड करना है. क्योंकि आपको अभी सुनने में दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है, बट गुरु जब आपको दीक्षा देंगे वो आपको अच्छे से बता देंगे. मैं एज पर मॉड्यूल बता रही हूँ आप लोगों को स्टेप्स क्या है, क्योंकि वीव तो आपको खुद को ही करना है. नंबर फोर, ब्रिंग द कॉर्ड डाउन अंडर एंड थ्रो योर लेग्स अप टू द फर्स्ट चक्रा एंड होल्ड इट. यहाँ पे क्या करना है, वो जो कॉर्ड आपने ये बनाया था उसको फिर नीचे लाके आपके फर्स्ट चक्रा पे रखना है, मतलब मूलाधार की बात कर रहे हैं. नंबर फाइव है, इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लैक बैंड. अभी सेम टाइम में एट द सेम हाइट एज द फर्स्ट चक्रा क्रिएट अ ब्लैक बैंड दैट गोज अराउंड द स्पाइन एंड लॉक इट इन द बैक. Bring it back around the front and go around the other side of the spine and lock it. Then come back to the first chakra and hold it. अभी फिर इसको एक और एक मोड़ देना है, एक लॉक के जैसे करना है इसको, इसको बंधने भी बोलते हैं. नंबर सिक्स है, स्टेप है, मूव अप टू द फ्रंट सेंटर फ्रॉम द फर्स्ट चक्रा टू एन एरिया बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड चक्रा एंड होल्ड इट. ये वाला बैंड जो है ये ब्लैक बैंड, ये फिर सेकंड और थर्ड चक्रा के आसपास लेके जाके एक मोड़ देके उसको होल्ड करना है वहां पे. अभी सेवेंथ वाला स्टेप है, इंस्टॉल रेड बैंड. अभी एक रेड बैंड भी है, तो एक रेड बैंड आपको विजुअलाइज करना है जो कि आपके स्पाइन के इर्द गिर्द ऐसे घूमेगा एंड आपको पीछे से उसको ऐसे पकड़ना है. ब्रिंग इट बैक अराउंड टू द फ्रंट, फिर आगे आपको लाना है. देन गो अराउंड द अदर साइड टू द स्पाइन एंड होल्ड इट. मतलब समझने में थोड़ा मुश्किल है बट सिंपल है कि पीछे से ऐसे साइड से लाके सामने लाना है, फिर सामने से पीछे से जाके एक राउंड मार के एक बैंड बनाना, इट्स दैट इजी. एट स्टेप जो है, मूव अप टू द फ्रंट टू द फोर्थ चक्रा एंड होल्ड इट. फोर्थ चक्रा जो है हमारा फर्स्ट हो गया मूलाधार एंड सेक्रल, ये डेफिनेटली हार्ट, हार्ट के पास जो है इसको जाके ये वाला बैंड को होल्ड करना है. अभी इंस्टॉल करना है गोल्ड बैंड. अभी गोल्ड बैंड विजुअलाइज करना है स्पाइन के एक ओर से, ऐसे विजुअलाइज करके आपको बिल्कुल बंधनी कंप्लीट करना है, टोटल सर्कल कंप्लीट करना है, फिर इसको होल्ड करना है. दसवा वाला जो स्टेप है उसको फिफ्थ चक्रा, मतलब आपका थ्रोट के सामने आपको होल्ड करना है उसको, ठीक है. अभी सिल्वर बैंड का काम करना है, अभी सेम टू सेम आपको एक सिल्वर बैंड का काम करना है थ्रोट चक्रा के आसपास और उसे होल्ड करना है. काम देखिए सिर्फ एक ही है, आपको विजुअलाइज करना है चक्रा के, यहाँ पे जो जो चक्रा लिखा है उसके ऐसे सर्कल करके एक बनाना है, विजुअलाइज करना है, होल्ड करना है, बनाना है, विजुअलाइज करना है, होल्ड करना है, बस वही है. अभी 12 नंबर हो गया, सिल्वर बैंड का भी आपने किया. अभी हम लोगों को सिक्स चक्रा में जाना है, थर्ड आई के पास जाना है. अभी हम लोगों को व्हाइट वाला बैंड करना है. सेम आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक व्हाइट बैंड जो है ऐसे, ये हराइजेंटल होगा राइट, हाँ ऐसे हराइजेंटल बैंड आप इमेजिन कीजिए, व्हाइट है, थर्ड आई के ऐसे चारों ओर आपको सर्कल करके होल्ड करना है. फिर 14 वाला जो है, मूव अप टू द क्राउन चक्रा एंड होल्ड इट. और ये अभी जो नेक्स्ट है वो क्राउन चक्रा के पास जाके उसको होल्ड करना है. 15th वाला स्टेप जो है वो एक्सपेंड आउट ऑफ द रेनबो फाउंटेन एंड ब्रिंग इट डाउन अराउंड योरसेल्फ. अभी आपको होल्ड करके बिल्कुल रेनबो फाउंटेन जो है आप विजुअलाइज करोगे उस टाइम में, उसको आपके चारों ओर इसको विजुअलाइज करना है और इसको एक्सपेंड होने देना है जितना कर सको. गोल्डन लाइट या वाइट ब्राइट लाइट, क्रिस्टलाइन लाइट आप ये कर सकते हो, या तो फिर रेनबो कलर का भी कर सकते हो. 16 वाला स्टेप है,
go up, trace fountain of light with hands 3 times. अभी आपको क्या करना है, सब आपका बेंड हो गया तो हाथ से ऐसे छूना है आपके फाउंटेन ऑफ लाइट, ताकि पूरा आपके ऊपर ट्रांसमिशन हो सके. ओके, ये है आपके जो लेंगे वो. अभी आप अगर जिसको दीक्षा देंगे उनका भी अलग अलग है, और ये एक्चुअली बहुत लंबा है, आई थिंक समय नहीं होगा. तो जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा ही करना है. Can you hear? हाँ हाँ, आप एक काम कर सकती हैं, गुरु वाला जो है स्किप कर सकती हैं. हाँ, ये गुरु वाले स्टेप्स जो है ये हम अगले वीडियो में करेंगे. तो इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ, सेम टू सेम है, बस वो गुरु जो है वो अपने ऊपर ना करके शिष्य के ऊपर वो करेंगे. जो शिष्य करेंगे वो गुरु उसके साथ करते रहेंगे और शिष्य भी करते रहेंगे. इट्स लाइक कि एक ऑर्केस्ट्रा, डिवाइन ऑर्केस्ट्रा के जैसे. सेम टू सेम शिष्य करेगा अपने ऊपर, सेम टू सेम गुरु करेंगे शिष्य के ऊपर. यस या तो ऐसे हम लोगों का आई थिंक इसको हमको बोलना भी नहीं है, क्योंकि सेम स्टेप्स है, बस गुरु करेंगे शिष्य के ऊपर. तो हम थर्ड वाला इससे स्टार्ट कर सकते हैं. अभी इफ यू कैन सी देखिए, मैंने बोला था कि ये सर्कल करना है. ये देखिए, बेंड्स ऑफ पावर राइट टू, स्टेप वन, स्टेप टू, ये आराम से शायद आप लोग देख सकते हैं. हाँ, डायग्रामेटिकली पूरा क्लियरिटी दिया हुआ है. हाँ, तो ये जो फर्स्ट बैंड है ये बिटवीन नेवल एंड बेस चक्रा में आता है. सेकंड बैंड जो है ये सोलर प्लेक्सस चक्रा में आता है. थर्ड बैंड जो है ये हार्ट चक्रा में आता है. फोर्थ बैंड जो है वो थ्रोट चक्रा में आता है. फिफ्थ बैंड जो है वो थर्ड आई. सिक्स एंड ऑफ क्राउन चक्रा फॉलोइंग फाउंटेन ऑफ रेनबो लाइट अपवर्ड्स एंड वीविंग अराउंड ऑल द बैंड्स. तो ये है ब्यूटीफुली इसको करके दिया जा रहा है. या हो गया. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, तो आप, आपके पास समय होगा थर्ड राइट के बारे में बताने? थर्ड राइट आई थिंक हम नेक्स्ट में करें तो ठीक है. ऑलरेडी आई थिंक हाफ एन आवर हो गया है. करेक्ट. ठीक है, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ, और कुछ पूछ सकते हैं आप? मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया. हाँ, तो हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया एक्चुअली. ओके, फाइन. Recording stop ho gaya? I have stopped it. You can also check your phones. Yeah, fine. Mera bhi abhi. Okay, theek hai. Thank you. To hum next video start karenge. Mera wala abhi bhi recording hai. Next wala start karenge hum log third wale ride se. Yeah. So we have actually another 7 rides. So totally. Yeah. Yeah.